नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार खिलाड़ियों को बनाएगी मालामाल। तमिलनाडु मामले को लेकर एडीजी ने कही ये बात। ग्रुप डी के हजारों पदों के लिए इस दिन से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। राबड़ी आवास पहुंची सीबीआई की टीम ने बताया कार्रवाई के पीछे का कारण। पैट कमिंस के खेलने पर आई बड़ी अपडेट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IAF अग्निवीर भर्ती के लिए इस दिन से एक्टिव होगा ऑनलाइन विंडो। वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती 2023 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। जो अभ्यर्थी वायुसेना की इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, वे होली के बाद 17 मार्च 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 तक है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अग्निवीर वायु के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को 12वीं साइंस स्ट्रीम की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। या अभ्यर्थियों के पास 3 वर्षीय इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स भी 50% अंकों के साथ पास हो। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने किसी और भी स्ट्रीम से 12वीं पास किया है, वह भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए agnipathvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन पटना के मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। हालांकि इस दौरान 7वें शिक्षक नियोजन को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं की गई, जबकि लोगों को यह उम्मीद थी कि नीतीश सरकार के द्वारा होली से पहले इसको लेकर घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा जिन एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, उनमें कनीय अभियंता बहाली के लिए नई नियमावली बनाई गई है, दरभंगा के बहादुरपुर में एम्स बनाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों से पास छात्र छात्राओं को 40% आरक्षण मिलेगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पर पहले से काम कर रहे छात्र छात्राओं को 25% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। वहीं बांका के अमरपुर में 74.24 करोड़ रुपए की लागत से 7 किलोमीटर का बाईपास निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा भी बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में अन्य एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बिहार सरकार खिलाड़ियों को बनाएगी मालामाल। बिहार सरकार के द्वारा उन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए बिहार राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना बनाई गई है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता होंगे। बता दें कि ऐसे खिलाड़ियों का चयन करने को लेकर राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है, जिसमें कुल 9 सदस्यों को शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पुरस्कार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा चिन्हित खेलों के अंतर्गत भारत में संचालित राष्ट्रीय खेल महासंघ हो, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया आदि संगठनों द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता के विजेताओं का चयन इसके तहत होगा। मेडल विजेता खिलाड़ियों को हर वर्ष होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पर देकर सम्मानित किया जाएगा। मालूम हो कि इस योजना के तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग खेल प्रतियोगिता में जीतने वालों को अलग अलग राशि दी जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रामचंद्र मांझी के बारे में। रामचंद्र मांझी का जन्म 1925 में बिहार के सारण जिले के ताजपुर में एक दलित परिवार में हुआ था। 10 साल की उम्र में वह भिखारी ठाकुर की नाटक टीम में शामिल हो गए और उनके निधन तक उन्होंने उनके साथ काम किया। वह ड्रामा टीम के सबसे पुराने सदस्य थे। रामचंद्र मांझी एक भारतीय भोजपुरी लोक नर्तक और रंगमंच कलाकार थे, जो लौंडा नाच कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह भिखारी ठाकुर की नाटक टीम के सदस्यों में से एक थे। अपने जीवन में उन्होंने सुरैया, वहीदा रहमान, मीना कुमारी, हेलन आदि जैसे कई बड़े नामों के सामने प्रदर्शन किया। 2017 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। हालांकि उनका सम्मान 2019 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। जनवरी 2021 में उन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने लौंडा नाच पर नाच भिखारी नाच नाम की 72 मिनट लंबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया। बिहार में होली को लेकर अस्पतालों में अलर्ट।
होली को लेकर बिहार की राजधानी पटना के कई अस्पताल अलर्ट मोड में आ गए हैं। दरअसल होली के दौरान कई तरह की घटनाएं घटित हो जाती है, इसी को देखते हुए अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को और भी पुख्ता कर दिया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में इमरजेंसी दवाओं का भी इंतजाम कर लिया गया है। वहीं होली के मौके पर अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि जिन अस्पतालों में ये सभी सुविधा उपलब्ध कराई गई है उनमें पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और पटना एम्स अस्पताल शामिल है। इन चारों अस्पतालों में करीब 85 बेड को आरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग से एम्बुलेंस की भी तैनाती कर दी गई है ताकि किसी परेशानी के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। मामले को लेकर एडीजी ने कही ये बात। तमिलनाडु पहुंचे बिहार की 4 सदस्यीय टीम को लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु में वहां की सरकार और पदाधिकारियों से बातचीत कर रही है और साथ ही वहां मौजूद बिहारी प्रवासियों से भी बातचीत कर रही है और इस मामले की जाँच करने में जुटी हुई है, और अगर जाँच के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत पाई जाती है तो उसके खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक स्थिति को लेकर जो भी खबर सामने आई है वह सामान्य है। इसके साथ उन्होंने बताया कि लोगों के बीच भ्रामक फैलाने वाले कुल 30 वीडियो, एसएमएस लिंक और पोस्ट पाए गए हैं जिनका पुलिस अभी जांच कर रही है। उनमें से 4 वीडियो या भ्रामक न्यूज पर पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और साथ ही उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है जिसकी पहचान अमन के रूप में की गई है और यह जमुई का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा आगे और भी कार्रवाई की जा रही है। बजट सत्र के 6ठे दिन भी विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। बीते दिन बिहार विधानसभा के 6ठे दिन भी विपक्ष के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। बता दें कि बीते दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से बिहार सरकार से गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, वित्त विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उद्योग विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, साइंस टेक्नोलॉजी विभाग और निर्वाचन विभाग से जुड़े प्रश्नों से सवाल पूछे गए। मालूम हो कि इन सभी विभागों से जुड़े प्रश्नों का जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों के द्वारा दिया गया। वहीं दूसरे हाफ में बीते दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सदन में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल भी होगा जिसमें सदस्यों के द्वारा तात्कालिक विषय को लाए जाएंगे। बता दें कि 7 मार्च के बाद होली की लंबी छुट्टी होगी और फिर उसके बाद एक बार फिर से 13 मार्च से कार्यवाही शुरू की जाएगी। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज इस दिन से होंगे वीवी के अधीन। आगामी 15 मार्च से राज्य के मौजूद सभी 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार वीवी अधिनियम 2021 के प्रावधान के तहत पिछले वर्ष स्थापित किए गए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना से संबद्ध हो जाएंगे। बता दें कि यह निर्णय विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के द्वारा वीवी अधिनियम की धारा 4 व उपधारा 2 व 3 में वर्णित प्रावधानों के तहत लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिए गए इस निर्णय के बाद राज्य के सभी 38 इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन 15 मार्च से बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के द्वारा किया जाएगा। यानी कि 15 मार्च से राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन आर्यभट्ट ज्ञान वीवी पटना की ओर से नहीं किया जाएगा। बिहार का एक ऐसा गांव जहां 3 दिनों तक मची रहती है धूम। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में जहां वृंदावन के तर्ज पर होली मनाई जाती है और जहां 3 दिनों तक धूम मची रहती है। हम बात कर रहे हैं बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसरा से 5 किलोमीटर दूर स्थित भिड़हा गांव के बारे में। बता दें कि यहां होने वाली होली में पूरे मिथिलांचल से हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के इस त्यौहार में शामिल होते। इस होली महोत्सव में आज भी वृंदावन की झलक मिलती है। बताया जाता है कि राष्ट्रकवि दिनकर ने यहाँ की होली से अभिभूत होकर कहा था कि वृंदावन तक नहीं पहुंचने वाले लोग भेड़हा में भी वहां की झलक देख सकते हैं। इसी को देखते हुए विधानसभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति के बैठक के बाद उप सचिव ने रोसरा के कबीर मठ और मशहूर होली स्थल भेड़हा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार से मांग की थी। बिहार में चमकी बुखार को लेकर सरकार कर रही यह तैयारी। बिहार में चमकी बुखार ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। बता दें कि इस बीमारी से बचाव के लिए अस्पतालों में पहले चरण में जो भी कमियां हैं उसे पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी जा चुकी है, जिसमें एसओपी के अनुसार दवाओं के साथ ही उपकरणों के अलावा बेड की उपलब्धता 24 घंटे 7 दिन, रोस्टर पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती समेत अनेक प्रकार के जरूरी कार्यों को पूरा किया जा रहा है। बता दें कि इसकी रिपोर्ट जिलों के अस्पतालों मुख्यालय को 14 मार्च तक भेजनी है। इस मामले में अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा इन जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर गैप असेसमेंट कराने का निर्देश दिया गया था। होली पर समस्तीपुर के वायरल टीचर इस अंदाज में बता रहे रंगों का मतलब।
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि यह वायरल हो रहा वीडियो बिहार के समस्तीपुर के चर्चित शिक्षक बैजनाथ रजक का है, जिसमें वो बच्चों को रंगों का मतलब गीत के माध्यम से बताते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस वीडियो में शिक्षक अंग्रेजी में रंगों के नाम गाकर उसका हिंदी में अर्थ समझा रहे हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब शिक्षक बैजनाथ रजक का वीडियो वायरल हुआ है, इससे पहले भी इनका वीडियो वायरल हो चुका है। मालूम हो कि यह अपने पढ़ाने के तौर तरीके से काफी सुर्खियों में बने रहते हैं, वहीं इनका यह पढ़ाने का अंदाज भी बच्चों को खूब पसंद आता है। बता दें कि शिक्षक बैजनाथ रजक का मानना है कि बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन नियमित स्कूल जाने से बचते हैं, जिसके कारण शिक्षकों के द्वारा इस तरह के नुस्खों को अपनाया जाता है। एयरटेल ने 125 शहरों में किया 5G लॉन्च, बिहार के इस शहर को मिलेगा लाभ। बीते दिन सोमवार को भारत की अग्रणी टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर भारतीय एयरटेल के द्वारा एक साथ देश के 125 शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही अब यह सेवा देश के 265 से अधिक शहरों में ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो गई है। बता दें कि बीते दिन जिन 125 शहरों में सेवा की शुरुआत की गई है, उसमें से कुछ शहर बिहार के भी शामिल है। मालूम हो कि अब जिन बिहार के शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की गई है, उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बोधगया, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, गोपालगंज, बाढ़, बिहार शरीफ, बिहटा, नवादा और सोनपुर के साथ अब फतवा, अररिया, जहानाबाद, फोबर्सगंज, मोतिहारी, सिवान, सहरसा, मधेपुरा, लखीसराय, सुल्तानगंज, जमुई, गया, खगड़िया और बेतिया जिला शामिल है, जहाँ अल्ट्रा फास्ट एयरटेल 5G प्लस सेवाएँ उपलब्ध की गई हैं। ग्रुप डी के हजारों पदों के लिए इस दिन से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। राज्य सरकार के द्वारा बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जल्द ही ग्रुप डी के हजारों पदों पर बंपर बहाली की जाएगी। इसे लेकर नियमावली बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बता दें कि फिलहाल इसे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग भेजने की तैयारी है। वहीं राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि अब तक नियमावली के प्रारूप को विधि विभाग की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि इस साल करीब 1000 मालियों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं नियमावली में मालियों की नियुक्ति की उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता, वेतन समेत सभी जानकारी शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मालियों की नियुक्ति भवन निर्माण विभाग के उद्यान प्रमंडल पटना में की जाएगी, साथ ही इनकी तैनाती पटना के सभी पार्कों और सरकारी भवनों में भी की जाएगी। राबड़ी आवास पहुंची सीबीआई की टीम ने बताया कार्रवाई के पीछे का कारण। बीते दिन यानी कि सोमवार को सुबह सुबह सीबीआई की टीम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गई थी, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा इस कार्रवाई के पीछे का कारण बता दिया गया है। बता दें कि सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम राबड़ी आवास किसी तरह की छापेमारी को लेकर नहीं गई थी, बल्कि सीबीआई की टीम राबड़ी आवास नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की जांच की प्रक्रिया के तहत पहुंची थी। सीबीआई के द्वारा बताया गया कि इस मामले को लेकर पहले ही लालू यादव, राबड़ी देवी के अलावा 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसी कथित घोटाला मामले में जांच के लिए सीबीआई सक्रिय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई की टीम के द्वारा बीते दिन लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की गई। बिहार के सरकारी अस्पतालों में बदला ओपीडी का टाइम। गर्मी के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के समय सारणी में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि नए समय सारणी के अनुसार मार्च से लेकर अक्टूबर तक ओपीडी की सेवा दोपहर बाद भी जारी रहेगी। मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए नए समय सारणी के अनुसार अब डॉक्टर के द्वारा 2 पालियों में आपका इलाज किया जाएगा। पहली पाली सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली दोपहर के 4 बजे से शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके तहत पहली पाली के लिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन सुबह के 8 बजे से शुरू होगी, जो कि दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली के लिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी, जो 5 बजे तक चलेगी। नीतीश सरकार ने भाजपा की मांग की स्वीकार। बीते दिन बिहार विधानसभा में 7 मार्च यानी कि आज होने वाले कार्यवाही को लेकर भाजपा की ओर से बिहार सरकार से अपनी मांग रखी गई। दरअसल भाजपा की ओर से सदन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि 7 मार्च यानी कि आज होलिका दहन और सबे बारात को देखते हुए कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए और आज के दिन की कार्यवाही किसी और दिन की जाए, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चली बहसबाजी के बाद इस मसले पर सर्वसम्मति दिखाकर आज होने वाले विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। बता दें कि भाजपा की ओर से इससे पहले भी सदन में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सहित अन्य नेताओं के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उस दौरान इसे अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर बीते दिन इस प्रस्ताव को पेश किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए आज विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब ये काम नहीं कर सकेंगे पीएमसीएच के डॉक्टर।
अधीक्षक डॉक्टर आईएएस ठाकुर के द्वारा ओपीडी और आईपीडी में सेवा देने वाले सभी डॉक्टरों को लिखित आदेश देकर यह कहा गया है कि अब पीएमसीएच के चिकित्सकों के द्वारा उन दवाइयों के बारे में नहीं लिखा जाएगा जो बाहर से लाने पड़ते हैं। हालांकि डॉक्टर उन दवाइयों को बाहर से लाने के लिए लिख सकते हैं जो पीएमसीएच में मौजूद नहीं होंगे और मरीजों के लिए बेहद ज़रूरी होगा। इसके साथ ही अब मरीजों को बाहर से जाँच करवाना मान्य नहीं होगा और न ही उन्हें कहीं बाहर जाँच करवाने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि अब पीएमसीएच के पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी विभाग में ही मरीजों की जरूरी जांच करवाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएमसीएच के दवाइयों के भंडार में लगभग सभी तरह की जरूरी दवाएं मौजूद है और ये सभी दवाएं ओपीडी और आईपीडी में मरीजों को मुफ्त में मिलता है। ऐसे में बाहर से दवा खरीदना गरीब मरीजों के आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम करता है। शूटिंग के दौरान जख्मी हुए अमिताभ बच्चन। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को लेकर मीडिया में यह खबरें चल रही हैं कि बीते दिन वे शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। बता दें कि वह हैदराबाद में प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान एक्शन सीन करते हुए उन्हें चोट आ गई थी, जिस वजह से आगे की शूटिंग को कैंसिल करना पड़ा। वहीं इस दौरान बिग बी को पसली में चोट आई है। अपने जख्मी होने को लेकर अमिताभ बच्चन का कहना है कि उन्हें रीब यानी कि पसली कार्टिलेज पॉप हो गया है और दाहिना रीब के साइड की मांसपेशी फट गई है। इसके साथ ही उन्हें मूव करने में काफ़ी दर्द हो रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमिताभ बच्चन का सिटी स्कैन हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में किया गया था और फिलहाल वे अपने घर पर हैं। डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें पट्टी बांधने और आराम करने की सलाह दी गई है। होली पर बिहार में ऐसा रहेगा मौसम का हाल। इस बार मौसम का मिजाज कुछ बदला नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। जहां एक तरफ दिन में धूप से लोगों को गर्मी का एहसास होता है, तो वहीं दूसरी ओर सुबह शाम में ठंडी हवा की वजह से लोगों को ठंड महसूस होती है। मौसम विभाग के मुताबिक अब मौसम में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है। वहीं अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सूबे में अभी ऐसे ही हालात रहेंगे, मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी होली पर स्थिति में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है। सुबह शाम मौसम कुछ ठंडा जरूर होगा, लेकिन सूरज निकलने की वजह से इसमें ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हल्की गर्मी में लोग होली मनाएंगे। इस मिले जुले मौसम की वजह से उन्हें रंग खेलने में भी अच्छा लगेगा। राबड़ी आवास पर सीबीआई पहुंचने को लेकर तेजस्वी समेत इन नेताओं ने कहा ये। बीते दिन यानी कि सोमवार को सीबीआई की टीम बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव के द्वारा इस मसले पर अपना बयान देते हुए कहा गया कि आप ही बता दीजिए कि ऐसा कहां होता है कि एक मंत्री साइन कर दे और सामने वाले को नौकरी मिल जाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारी महागठबंधन सरकार बनी थी, उसी दिन मैंने कहा था कि यह सिलसिला चलता रहेगा। पर इस मामले को लेकर पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता के द्वारा कहा गया कि जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, उस दौरान सीबीआई का यह दाव उल्टा पड़ जाएगा। बीजेपी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रही है, इसलिए सीबीआई को आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार दिल्ली में भी बनेगी। तमिलनाडु पहुंचे चिराग पासवान। बीते दिन यानी कि सोमवार को एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान चेन्नई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर हो रहे हिंसा को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और साथ ही कुछ लोगों से मुलाकात भी की जो बिहार के निवासी है। बता दें कि इस दौरान चिराग पासवान ने वहां बिहारी मजदूरों की हाल जानने की भी कोशिश की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, यहां सभी जाति धर्मों भाषा सभी तरह के लोग रहते हैं, इसलिए इन चीजों को लेकर विविधता करना गलत है। अगर मतभेद करने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो सरकार को इस पर जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वायरल किया जा रहा वीडियो गलत है तो सरकार को यह पता करवाना चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है। पैट कमिंस के खेलने पर आई बड़ी अपडेट। 9 मार्च से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा व अंतिम टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस को लेकर एक अपडेट सामने आ गया है। बता दें कि नए अपडेट के अनुसार पैट कमिंस अहमदाबाद टेस्ट के लिए भारत नहीं लौटेंगे और उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी स्टीव स्मिथ के द्वारा की जाएगी। बता दें कि पैट कमिंस की मां गंभीर रूप से बीमार है, जिस वजह से वह भारत नहीं लौट पाएंगे। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि पैट कमिंस भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को खेलने के लिए वापस आ सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 17 मार्च से होने वाली है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत में 1835 में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव लाया गया। पाकिस्तान और भारत आतंकवाद पर जांच में मदद के लिए 2007 में तैयार हुआ।
प्रसिद्ध हिंदी लेखक सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का 1911 में उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी नरी कॉन्ट्रैक्टर का 1934 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेता अनुपम खेर का 1955 में जन्म हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ गुलाम नबी आज़ाद का 1949 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध संगीतकार रवि का 2012 में निधन हुआ। भारतीय गुरु परमहंस योगानंद जी का 1952 में निधन हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ नेता गोविंद वल्लभ पंत का 1961 में निधन हुआ। बालखंड में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हुई जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी नियुक्ति पत्र में यह दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, जिसके लिए 4,950 रुपए जमा करने होंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ऐसा कोई भी नियुक्ति पत्र लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी नहीं किया गया है। व्हाट्सएप पर डिलीट हुए मैसेज को देखे ऐसे। अगर आप भी अपने व्हाट्सएप में डिलीट हुए मैसेज को देखना चाहते हैं तो आपके पास एक तरीका है, जिसमें से पहला तरीका नोटिफिकेशन हिस्ट्री है। गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले एंड्रॉयड स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन हिस्ट्री स्टोर करने का ऑप्शन होता है। हालांकि ये कुछ देर तक ही काम करती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए अगर कोई आपके पास मैसेज भेजता है तो आपको नोटिफिकेशन को हटाना नहीं है, इससे आप नोटिफिकेशन से मैसेज को पढ़ सकेंगे। नोटिफिकेशन हिस्ट्री मैसेज पढ़ने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन को ओपन करें, ऐप सेटिंग में जाएं, नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ओपन करें और फिर नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन, कृष्ण कुमार यादव, विपिन लाल वर्मा, अशोक कुमार झा, योगेंद्र रजक, नन्नू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, रवि शंकर, मुटू रंगीला, राजेंद्र सिंह, उमेश ऋषिदेव, गौतम कुमार, कविता कुमारी, अनिल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में होली किस तरह से मनाई जाती है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।